ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए चलिए तो सबसे पहला आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज ऑब्वियसली द ग्लव्स तो ठीक है तो ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है सो uh, दैट so आपका सेफ्टी बना रहे प्रैक्टिकल्स देखो होते रहते हैं प्रैक्टिकल्स आर ओनली फॉर नॉलेज सो फेंस दैट शुड नॉट बी योर मेजर कंसर्न योर मेजर कंसर्न शुड बी कि भाई तुम्हारा Uh, सब कुछ लेट सेफ्टी तुमने प्रॉपरली ली है क्या फॉर कंडक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना राइट सो वगैरह पहन लेने हैं और उसके बाद ही प्रैक्टिकल को कोई हाथ लगाना दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट अ बिग डी सेफ्टी के साथ करना That matters. Okay. एक ग्लव बैठ गया है अब दूसरा कोई इस तरह के बॉक्स में आता है ठीक है जस्ट है आपको बस पहन लेना है ठीक है दो हाथों में आ, एक हफ्ते एक दूसरे हफ्ते दो एंड आप एक्स्ट्रा भी पहन सकते हैं जैसे कोविड केस में आप मल्टीपल मास्क पहनते हैं ना वैसे आप मल्टीपल gloves भी पहन सकते हैं एक के ऊपर एक Uh, अगर इफ यू आर डीलिंग विद सर्टेन केमिकल्स की जो काफी क्लोजिव है या फिर जस्ट टू इंक्रीज द सेफ्टी हालांकि अपन स्कूल लेवल केमिकल्स को हाथ लगा रहे हैं सो इट ड मैटर मच ऐसा बहुत मैटर नहीं करता है यहाँ पर एक लेयर ऑफ ग्लव इज मोर देन इनफ बट आई एम अगेन टेलिंग यू यू कैन इंक्रीज द्स आप ग्लव के लेयर्स को बढ़ा सकते हैं अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो ठीक है तो एक ग्लव के ऊपर और एक ग्लव आप पहन सकते हैं अगर आपको इफ यू नीड समथिंग लाइक हाउ कैन आई पुट इट इफ इफ यू वॉन्ट जस्ट मोर सेफ्टी ठीक है चलिए अब इस बक्से को साइड में रखते हैं वॉट वी रिक्वायर इज द पहला एक्सपेरिमेंट राइट right? अब पहला एक्सपेरिमेंट आपको पता है दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो ये रही हमारी मैग्नीशियम रिबन लेट मी जस्ट ओपन इट अप ये रही ठीक है अभी मैग्नीशियम रिबन जो होता है पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि इट शुड बी सपोज लेट अस से ओपन में नहीं रखना है इसको नहीं तो अगेन द प्रॉब्लम्स अराइजेस Obviously. अब इसमें से हम लोगों को कितना चाहिए देखो पूरी मैग्नेशियम रिबन कुछ ऐसे दिखती है ठीक है लुक समथिंग लाइक दिस सिल्वर टच लेट से सिल्वर कलरिंग होता है अगर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है ना जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से पूरा ब्लैक दिख रहा है यू कैन सी इट इट सिल्वर इज ब्लैक द रीजन इज कि इट इट हैज से थोड़ा बहुत उसका मे बी लेट से ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है तो हमको इसको घिस के लेना पड़ेगा ठीक है सैंड पेपर के साथ सो लेट मी फर्स्ट कट इट मैं इसको कट कर लेता हूँ कट करने के लिए कुछ भी नहीं है आपको थोड़ा सा सिर्फ उसमें जस्ट एक फोल्ड लाना है एंड इट विल अपने आप कट हो जाता है आपको कुछ स्पेशल की जरूरत नहीं है देखो टूट जाता है आराम से सो यू हैव दिस मैग्नीशियम रिबन विद यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन पैकअप एंड आप इसके अंदर रख सकते हैं आपके जो भी कंटेनर है जिसके अंदर आपका वो मैग्नीशियम रिबन है नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर सपोज अपना जो uh, पेपर है सैंड पेपर वो चाहिए अब सैंड पेपर का क्या नाटक है है क्या कि uh, पहली चीज आपको हर बार घिसने की जरूरत नहीं है आपका मैग्नेशियम रिबन आपको तभी घिसना है अगर इफ थोड़ा सा वो पुराना हो गया हो तो ठीक है ओनली ड्यूरिंग दैट सिचुएशन आपको वो उसको घिसना है नहीं तो इट इज रियली नॉट कंपलसरी ठीक है तो ये सैंड पेपर रहता है ठीक है इसको सैंड पेपर बोलते हैं तो एक तरफ से एकदम रफ रहता है ये ठीक है ये साइड एकदम रफ है अब आवाज सुन सकते हैं माइक की तरफ देखो काफी रफ होता है और एक साइड एकदम स्मूथ होता है एक साइड इज वेरी वेरी स्मूथ ये वाला जिसके ऊपर प्रिंटिंग रहती है ना दैट्स योर स्मूथ uh, सरफेस और जो ये है ब्लैंक uh, वाला दैट इज योर रफ सरफेस और इस सरफेस से आपको घिसना है मतलब इस सरफेस से आपको साफ करना है आपके मैग्नीशियम रिबन को ठीक है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है ना इसके ऊपर डस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसको साफ करने के लिए यू विल रिक्वायर दिस दिस साइड जिसपे प्रिंटिंग नहीं है वो रफ सरफेस रहता है इससे आप उसको साफ कर सकते हैं uh, अभी पूरा पेपर की जरूरत है क्या अपने को ऑब्वियसली नहीं अपना बहुत ही रिबन छोटा है इतना बड़ा पेपर की जरूरत नहीं है हम लोग उसको छोटा कर लेते हैं घिसने में भी आसानी होगी तो वी विल जस्ट कट इट अप इसको कट कर लेते हैं आप ऐसे ही फोल्ड करके आप कट कर सकते हैं That is not an issue. ठीक है? तो मैं इसको कट कर लेता जस्ट एक स्क्वायर एक पीस ले लेता हूं ताकि मुझे आसानी जाए घिसने में नहीं तो मैं इतने बड़े पेपर के साथ कितनों से रिबन को घिस नहीं सकता इट्स नॉट पॉसिबल तो देखो अभी घिसना शुरू करते हैं आपको दोनों तरफ से घिसना पड़ेगा यू नॉट जस्ट एक साइड से घिस नहीं सकते घिस ली ये एक साइड होगी दूसरी साइड लगेज लगेज दूसरी साइड ओके okay. तो ये इधर का तो हो गया है अब इधर का भी कर लेते हैं ठीक है ये भी घिस लिया ये साइड भी घिस लेते हैं ठीक है घिस लिए अभी आपका घिसना हो गया ठीक है ना वॉट यूर टू डू इज यू विल रिक्वायर अब ये जो आपका घिसा हुआ पेपर है इसका कुछ काम नहीं है यू कैन सी इट हैज अप अब इसका कुछ काम नहीं है ठीक है यू कैन जस्ट लेट से आप इसको लेट से फेंक सकते हैं इसका कोई काम नहीं ना वॉट यू कैन डू इज ये इस ये जो है आई कैन अंडरस्टैंड ये घर के कड़ची के जैसा लग रहा होगा आपको बट ये कड़ची नहीं है ठीक है दिस इज टॉन्ग आप देख सकते हैं इसका जो पीछे का भी पार्ट इट्स क्वाइट डिफरेंट अपने घर के अंदर का अलग रहता है एंड इसको आप सामने से पकड़ सकते हैं लेट्स जस्ट हैव टू होल्ड इट समथिंग अब ये इसकी क्यों जरूरत है हमको द रीजन इज कि हम ये जब जलेगा ये मैग्निशियम रिबन जब जलेगा तो ऑब्वियसली इट वुड हैव लेट्स से काफी फ्लेम uh, तैयार करेगा तो वी डोंट वांट टू होल्ड इट इन आवर हैंड रादर वी विल लेट्स से होल्ड इट बाय द टॉप ठीक है ऐसे करके हम लोग उसको जलाएंगे नीचे से और ये रहा मेरा वॉच ग्लास इसके अंदर हम लोग क्या uh, जमा करेंगे हमारा ये जमा करेंगे ये जो जला हुआ जो रिबन है तो उसका जो भी पार्ट गिर रहा है हम लोग उसको नीचे जमा कर लेंगे ठीक है सो दीज आर आवर थिंग्स लेट से फॉर आवर एक्सपेरिमेंट अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना है कि यू आर से जब जमा कर रहे हो तो ये नीचे कंटेनर आप कोई भी ले सकते हो बट इट्स रेकमेंडेड कि आप ग्लास लो ग्लास क्यों लेना है पहली चीज uh, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा मतलब वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू पुट इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे जो गिर रहा है आपका तो वो गर्म होगा ना थोड़ा बहुत

तो वैसे भी आते हैं लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज का है ग्लास, तो उतना ध्यान चलिए बर्नर. बर्नर तो क्या कर सकते हैं नहीं uh, तो नॉर्मल एक लाइटर जैसा इट्स नॉट अब मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको uh, यही चाहिए. क्या बोल सकते हैं सर्टन uh, एक आग चाहिए बर्नर चाहिए या फिर यह? बर्निंग काम है ना देखो अपने स्कूल के जो एक्सपेरिमेंट है ना ये तो कैंडल पे भी हो सकते हैं इट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बर्नर ही चाहिए बट लैब uh, में इस बर्नर इज ओके बट हम लोग अभी मेंट से यहाँ पर कर रहे हैं ऑनलाइन सो बर्नर यूज करना सपोलेटर से अगेन काफी सेटअप का इश्यू होगा सो वट विल बी डूइंग इज विल बी जस्ट यूजिंग दिस लाइटर काफी डिस्टेंस से हम लोग इसको जला सकते हैं तो अपने हाथ भी नहीं जलेंगे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल टास्क कुछ नहीं है बटन के जैसा है ट्रिगर एंड सपोज यू कैन जस्ट लाइट इट अप और वो सामने से आग शुरू कर लेगा राइट और फिर हम लोग जला पाएंगे सो दैट इज फैक्ट अब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं ठीक है तो एक बार मटेरियल समझ लो ये आपका मैग्नीशियम रिबन वो जो घिसा हुआ था वो पेपर का नाम क्या है सैंड पेपर एक तरफ से रफ एक तरफ से स्मूथ ये वॉच ग्लास ये जो कांच का है और ये जो हाथ में मेरे स्टील के जैसा दैट इज वॉट टोंग उसको टोंग बोलते हैं होल्ड के के लिए के लिए होल्डिंग रहता है ठीक है चलिए फिर इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको अभी हम लोग जलाएंगे ठीक है एंड मेक श्योर कि आपके डोमिनेंट हाथ में है डोमिनेंट हाथ में आपका ये है जो रिबन और जो आपका टॉन्ग है मेक श्योर इट इज इन योर डोमिनेंट हैंड नो वट डू यू मीन बाय दैट उसका मतलब ये है कि ये जलेगा ना तो हो सकता है कि आपका डर के मारे वो गिर जाए होता है बच्चों से बच्चों से कुछ भी होता है सो so, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में है एंड सपोज वो आग लगने की वजह से फ्लेम की वजह से आपने उसको छोड़ दिया या फिर वो आपके हाथ से गिर गया सो दैट शुड नॉट हैपन तो इसलिए जैसे कि मैं राइट ही हूं तो ऑब्वियसली आई शुड बी यूजिंग माई राइट हैंड डोमिनेंट हैंड यूज करना तो यू डू नॉट यूज यूअर जो डोमिनेंट हाथ है उसी को इस्तेमाल करना है दूसरा वाला यूज नहीं करना जैसे कि मान लो आप लेफ्ट ही हो तो आपको लेफ्टी ही लेफ्ट uh, से पकड़ना है अगर आप राइट ही हो तो आप राइट right से पकड़ना है सो दैट फ्लेम हाथ से ना गिरे सो इट्स जस्ट वन ऑफ द प्रिकॉशंस ठीक है इट कैन ईजिली बी अवॉइडेड चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग इसको जलाएंगे ठीक है एंड हम लोग अभी इसको देखेंगे कि भाई जलने के बाद uh, किस प्रकार की फ्लेम तैयार करता है क्या तैयार करता है एंड ऑल दोस थिंग्स राइट चलिए सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस और इसको हम लोग जलाएंगे ठीक है हो सकता है कि एंड वाला हमने पता नहीं कितना अच्छे तरीके से घिसा सो इट माइट हैपन कि वो थोड़ी देर टाइम ले जलने के लिए बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट राइट लेट अस सी ओके okay. सामने से हवा बहुत आ रही है जस्ट वन मिनट लेट मी जस्ट लेट से क्लोज दिस ये वाला दरवाजा जो नाउ वी डू दिस वो दरवाजा काफी हवा तेज आ रही है सो बिकॉज ऑफ दैट फ्लेम ही जल नहीं रही है तो हमारा ये कैसे जलेगा मैग्नीशियम टिबल चलिए तो इसको फिर से होल्ड करते हैं और फिर से जलाने की कोशिश करते हैं स्टार्ट चलिए जलाते हैं अभी तो आप देख सकते हैं एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट तैयार होता है इसका इतना ब्राइट है कि मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं दिन दिन शुरू हो गया ऐसा लगता है तो इसका जो फ्लेम है कलर दैट ऑब्वियसली व्हाइट इन कलर ठीक है आप देख सकते हैं लास्ट तक जलते रहता है तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स बेटर कि आप उसको टोंग से पकड़े ओके चलिए सो मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ गर्मी में नहीं रह सकता हूँ जस्ट गिव मी सम टाइम मुझे फैन और वो सामने का दरवाजा खोलने को <laughs> इतना पॉसिबल नहीं है। जो है तो ये क्या है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है वट दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड हालांकि अगर हमारा सेकेंड uh, लेसन अगर कंप्लीट हुआ होता एसिड बेस्ड एंड सोल्ट तो मैं उसको तुमको ये प्रूव करके भी बता देता कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है ठीक है जैसे कि कुछ बच्चों को कंसेप्ट उसमें प्रॉब्लम uh, क्या रहता है कि वो तो कुछ टीचर्स बोलते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है एंड कार्बोनेट बनाता है वो वो लोग होते हैं कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाला नहीं रहता है ठीक है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं तुमको ये प्रूव करके बता देता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है सिर्फ नो मैग्नीशियम कार्बोनेट लेकिन हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट नहीं है सो so हम लोग इसके अंदर घुसेंगे नहीं कि क्या है जस्ट हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे कि व्हाइट कलर का है मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हमारा जो फ्लेम चला था वो भी कैसा था व्हाइट कलर का ही था इतना व्हाइट कलर का था कि ऑलमोस्ट जो हमारा ये टोंग है ठीक है ये भी इसके सामने भी एक ऐसा व्हाइट कलर का लेयर तैयार हो गया आप देख सकते हैं इसके ऊपर टोटल पाउडर है व्हाइट कलर का यू कैन सी सो दु इट्स अ गुड थिंग कि हमने टोंग पे जलाया हाथ से जलाते

तो देखो हमको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है एक्टिविटी नंबर चलो तो देखते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं तो देखो हर एक, एक एक्सपेरिमेंट के ना कुछ ना कुछ तो पहलू होते हैं मतलब उसके अंदर एम लिखना पड़ता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फिर आपको सब से प्रोसीजर लिखनी पड़ती है फिर उसके कंक्लूजन लिखने पड़ते हैं राइट ऑब्जर्वेशन के साथ so तो देख लेते हैं क्या क्या है सबसे पहला तो we'll uh, so इसके अंदर हम लोग पहले एम देख लेते हैं ठीक है एम क्या है सबसे पहला लिखेंगे एम सो वॉट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम रिबन ठीक है टू स्टडी खाली ऐसा लिखा तो भी चलेगा टू स्टडी बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम रिबन बर्निंग ऑफ कौन सा रिबन मैग्नेशियम रिबन क्या करना पड़ता है इसके अंदर देखो इसके अंदर एक्चुअली हमको आ, कौन सी रिएक्शन देखनी है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें से स्टडी करनी टू स्टडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलिए देख लेते हैं सो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड ये तो हमारा एम हो गया व्हाट अबाउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड चलिए मटेरियल्स देख लेते हैं तो हम लोग दो तरीके की लिस्ट बनाएंगे एक केमिकल्स ठीक है केमिकल्स आपको अगर कुछ चाहिए या फिर समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लैब ओके तो केमिकल्स और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कुछ अपरेटस तो केमिकल्स में हमको कुछ नहीं चाहिए वो बर्नर चाहिए स्पिरिट लैम्प अगर इट इज देयर मैग्नीशियम रिबन चाहिए एंड सपोज इट बाकी तो बस मटेरियल ही है ठीक है तो केमिकल्स में क्या चाहिए आपको वॉट यू रिक्वायर इज मैग्नीशियम रिबन दैट्स इट मैग्नीशियम Okay. और फिर और कुछ अपरेटस ठीक है अपरेटस देखते हैं Wait. अब अपरेटस में कैसा है ना कि व्हाट वी हैव इज़ वी हैव मेनी थिंग्स से की जो हमको जरूरत है करेक्ट सो लेट मी जस्ट सी चलिए सो अपरेटस लिखते हैं ठीक है अपरेटस में क्या क्या लगने वाला है इसको देख के क्या क्या लगता है देखो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको लिखनी है सबसे पहले ऑब्वियसली टोंग टोंग लगने वाला है जिससे हम लोग हमारे रिबन को पकड़ने पकड़ेंगे राइट फिर बाद में सेकंड थिंग हमको लगेगा वॉच ग्लास वॉच ग्लास एक लगेगा और कुछ लगने वाला है आ, बर्नर बर्नर एक और अगर बर्नर नहीं है तो स्पिरिट लैम्प ठीक है बर्नर स्लैश स्पिरिट लैम्प अगर आप स्पिरिट लैम्प लेते हो तो हो सकता है फिर आपको स्पिरिट की भी जरूरत पड़े फ्यूल की स्पिरिट लैम्प क्योंकि फ्यूल की बिना नहीं चलेगा तो यू माइट रिक्वायर अल्कोहल आल्सो स्पिरिट स्पिरिट की भी शायद आपको जरूरत पड़ सकती है सो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड आपके एम्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड राइट सब कुछ लिख दिया मैंने कुछ छुट गया अपने से नहीं एवरीथिंग इज डन चलिए अभी एम हो गया मटेरियल्स हो गया नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोसीजर प्रोसीजर क्या क्या है चलिए प्रोसीजर देख लेते नाउ प्रोसीजर इज क्वाइट सिंपल बहुत इतने सिंपल प्रोसीजर से क्या बोलना सबसे पहला प्रोसीजर क्या है सी यू आर लॉर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स लेट्स से हमारे इसमें मटेरियल बहुत एम अच्छा है अब प्रोसीजर में कैसा है बहुत सारे हमारे स्टेप्स होंगे राइट right? तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है जो अपने लैब में लैब मैनुअल में लिखे होते हैं प्रोसीजर उसको सेम के सेम जैसा कॉपी करना आपको जरूरी नहीं है आप लिख सकते हैं उसको ठीक है तो so, प्रोसीजर में हम लोग क्या लिखेंगे से होल्ड मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन विथ टोंग ठीक है टंग्स लेकिन वहां पर एक नोट लिखेंगे हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिखने के पहले नोट क्या कि नहीं तो वो हम लोग ठीक है प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर द एक्सपेरिमेंट जान दो डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे इसको सो होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विथ टॉन्ग उसके बाद लेट्स से बर्न द मैग्नीशियम रिबन बर्न द मैग्नेशियम रिबन बाय होल्डिंग इट बाय होल्डिंग इट ओवर दी बर्नर ओके सो बर्न द मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट ओवर द बर्नर बर्नर के ऊपर रखे उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दो तो उसके बाद कलेक्ट कलेक्ट द एश क्रिएटेड एश मतलब वही पाउडर कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग बर्निंग के बाद जो पाउडर बन रहा है उसको कलेक्ट कर लो कलेक्ट द बर्निंग कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग एन किसके अंदर यूज आपको जमा करना है ये वॉच ग्लास के अंदर नीचे ये जो है ना दिस इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास नीचे वाला बुटीक ओके तो वॉच ग्लास के अंदर ले लो कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग इन वॉच ग्लास राइट हो गया आपका एक्सपेरिमेंट मतलब प्रोसीजर इज डन द होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद टांग बर्न द मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट ओवर द बर्नर एंड कलेक्ट द पाउडर क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग इन वॉच ग्लास ठीक है वॉच तो ग्लास के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लें उसके बाद उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन जो हमको लिखनी है, राइट right? ओके okay, तो इसी के नीचे नहीं, इधर लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शन जो इसमें हुआ था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन प्लेस तो इसमें मैग्नीशियम रिबन था और तुमने जलाया उसको जलाने की बात के बाद किसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ अब ओ टू रहता है वो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा अगर जलाएंगे तो तो इससे क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एम जी ओ बनता है चलिए नाम देख लेते हैं सबके ये हो गया मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन ये हो गया ऑक्सीजन राइट right? और ये क्या हो गया दिस इज मैग्नेशियम ऑक्साइड अब इसका कलर क्या होता है इसका कलर क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है दैट इज वॉट दैट इज वाइट वाइट कलर है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर ठीक है सो व्हाइट कलर का आपका एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड बनता है लेट अस जस्ट बैलेंस देम इनको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसको टू कर लो इसको टू कर लो बैलेंस भी हो गया दिस इज दिसलेंस केमिकल रिएक्शन राइट मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है लेट अस राइट डाउन दियर स्टेट्स आल्सो स्टेट्स लिख देता है नीचे ठीक है चलिए सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रहता है ये गैसेस फॉर्म में रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो पूरी रिएक्शन हमने अच्छी तरीके से लिख दी है राइट टू एमजी प्लस टू एमजी मैग्नेशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नेशियम ऑक्साइड सो अपना केमिकल रिएक्शन भी हमने लिख दिया नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन चलिए ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन चलिए ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं अब ऑब्जर्वेशन है. में क्या देखना है सबसे पहला आपका जो पाउडर बना वो कौन सा था व्हाइट पाउडर इज क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग सबसे पहला ऑब्जर्वेशन व्हाइट व्हाइट पाउडर इज क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग मैग्नेशियम ऑक्साइड वो कौन है मैग्नेशियम ऑक्साइड है सो व्हाइट पाउडर इज क्रिएटेड आफ्टर बर्निंग विच इज मैग्नेशियम ऑक्साइड एंड सेकेंड थिंग जिसको हम लोग एम जी ओ बोलेंगे सही है मैग्नेशियम बर्नस विथ वो जब जल रहा था तो कौन सी फ्लेम बना रहा था व्हाइट कलर की सो मैग्नीशियम बर्न विथ व्हाइट फ्लेम 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 मैग्नीशियम तो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो दो हमने लिख दिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जमा हो गया एंड सेकंड थिंग वी साइड की जो जल रहा है मैग्नीशियम तो कौन सी फ्लेम तैयार कर रहा है व्हाइट कलर की फ्लेम तैयार कर रहा है चलिए अब ये हो गया हमारा देख लो एक बार एम मटेरियल लिख दिया हमने प्रोसीजर लिख दिया केमिकल रिएक्शन लिख दिया ऑब्जर्वेशन लिख दिया नाउ लेट अस राइट डाउन द थेरी पार्ट थेरी पार्टिक लिख देते हैं पार्ट चलिए सो क्या है थेरी इसके पीछे इट्स कॉल्ड अस कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेन टू और मोर रिएक्टेंट्स

This reaction is 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 what? Which reaction? Combination reaction. Hence, this reaction is combination reaction. ठीक है? हो गया दर्शक। तो ये हमारी theory हो गई। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? Uh, conclusion. Conclusion लिख देता है। क्या लिखोगे सबसे पहले इन दिस वे वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टिपन हमने पढ़ लिया वी हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टिपिन करेक्ट ओके मैग्नीशियम बर्न विथ व्हाइट फ्लेम बर्न्स विथ व्हाइट फ्लेम व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और कुछ सी इन दिस वे वी हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर्न मैग्नीशियम बर्न विथ व्हाइट फ्लेम और कुछ uh, विद दिस देखो और एक चीज है कि हमने ये भले ही व्हाइट फ्लेम में है लेकिन हमारा जो पाउडर तैयार है मैग्नेशियम ऑक्साइड का वो भी व्हाइट कलर का ही है सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस व्हाइट कंपाउंड प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर्ड कंपाउंड व्हाइट कलर का कंपाउंड बनाता है वो नेम्ड नेमड क्या नाम है उसका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसर्स वाइट कलर कंपाउंड नेम उसका नाम क्या है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया राइट और ये रिएक्शन का टाइप क्या है दिस रिएक्शन इज द टाइप ऑफ combination reaction. देखो सब कुछ हो गया है तो वट वी है मटीरियल हो गया प्रोसीजर हो गया नाउ केमिकल रिएक्शन भी लिख दी पूरी ऑब्जर्वेशन भी लिख दिया भी लिख दिया कंक्लूजन भी हो गया राइट सो वी हैव रिटर्न एवरीथिंग हियर तो आप ऑब्वियसली इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं And as you can see, aim लिख दिया, materials लिख दिया, procedure is done, chemical reaction, observation, theory, conclusion. Correct? So thank you so much for let's say watching this practical. Okay. So plus K और के और iconic के rates कैसे हैं? Let me just tell you. देखो, आ, हमारे पास आ, दो type के subscription हैं. अगर आप class ninth के लिए हैं, तो class ninth के subscriptions ये रहे. ठीक है. One minute. अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास का प्लस के रेट्स क्लास, के के क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे वैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है

Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीट मंथ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर एटी थ्री थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है

क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना आपको सस्ता गिरेगा एंड ऊपर से ये क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ्स का आप ले रहे हो तो फोर्टी क्या करना है आइकॉनिक लेना है नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप आप लिख है, करते है न, आपकी जो, जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक है इट शुड बी कंटिन्यूस ए एस एल आई वीई वन जीरो कंटिन्यूएशन में लिखना है आप ये कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स है मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले राइट सो मोस्ट पार्ट एंड कोड कोड को नहीं भूलना uh, कि आपको कौन सा यूज करना है तो टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डो इज यूज दिस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज अवर बेसिक प्लान और मतलब क्या है तुम ऐसा समझ सकते हो प्लस का एडवांस्ड प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू to टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट इज स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेटर स्विच द द्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर whether it is about uh, let's say explanation part आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा with uh, let us say uh, the teachers of the plus subscription अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्वजेस देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सेइंग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आदा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग अच्छा, मेथडोलॉजी मतलब like, you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो डेट try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग देख सकते हैं आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सो देर इज नो प्रॉब्लम राइट चलिए सो बेस्ट टीचर्स आपको बढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विलस्ट एंड क्विजेस अब ये क्या है देखो Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ आपको से टाइम तो पीरियड किया जाता है तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं उसका टाइम टेबल यू कैन गो इन टू क्विज सेक्शन आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको लेट uh, से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई uh, कौन सा क्विज है सपोज उसमें uh, कौन से टॉपिक uh, के ऊपर है कौन से टाइम पे है कितने क्वेश्चंस है कौन सा लेसन है सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं आप जितने आपके हिसाब से इट्स नॉट कम्पल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ क्विज लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं नाउ लेटस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पी इसके लिए जाते हैं देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको आ, मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक तो वो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस एक पर्टन लेट से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं ऐसा नहीं है इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है आपको पढ़ाया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं ये पूरे एंड ऑल्सो यू गेट द दीडीएफ आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं दैट इज अनदर फायदा इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं तो नीचे सपोल से पीडीएफ का ऑप्शन है तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दैट दैट वोंट बी एन इशू तो ये है प्लस के फीचर्स राइट ये प्लस के फीचर्स है तो एंड वट अबाउट आइकॉनिक आइकॉनिक के फीचर्स क्या है देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में मेचो ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही हैं लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर एक्स्ट्रा सबसे पहला क्या पर्सनल मेंटर आपको एक मेंटर एजाइन किया जाता है अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है देखो कैसा होता है ना मेनियर टाइम्स यू डो नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू स्टडी या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं जो Uh, मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता राइट right? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द योर क्लास एक पूरा जो पूरा जो आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटॉर चाहिए राइट इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर राइट तो यही है सॉल्व सब सब हो जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन अब इसका क्या मतलब होता है देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा आपके टीचर रहेंगे आप रहेंगे और सपोलेट से आप एक क्वेश्चन भेजेंगे फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा मे बी थ्री मे बी सपोलेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये ये डाउट है लेट से सॉल्व कर लो तो ये वाला जो सेशंस uh, है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम आप सेशन uh, को से एक, एक अटेंड well, like कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट उनको पूछ सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम अब ये क्या रहता है देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में वॉट यू डू इज़ यू आपके जो पेरेंट्स है आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स है आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व से उनको भी एक ट्रैक करने का एक से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है कुछ इश्यूज आ रही है क्या अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स इंपॉर्टेंस वही है कि भाई अः uh, उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं

Шokie मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है आप से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं okay. आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स विच इज विच इज अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन हैव इन योर एंटायर प्रिपरेशन बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन सिलेबस कंप्लीशन इज कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक यू नो दैट इज गेटिंग दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर राइट की स्टडी प्लान सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एन आईकॉनिक नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं राइट प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं ओके सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट ओके हेलो हाय सो uh, so, हम लोग क्या करेंगे कि uh, एक एग्जाम uh, के बारे में बता दूं कि जो अन एकेडमी की तरफ से लिया जाता है क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम से इट्स यू कैन कंसीडर दिस वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये एंड स्कॉलरशिप uh, के बारे में आपको सपोलेट से पढ़ाई के साथ साथ से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड एग्जाम का नाम क्या है इट इज इजेडमीज कॉम्पेट एग्जाम तो एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज वन करोड़ तो एक करोड़ तक हम लोग लेट से स्कॉलरशिप लेट से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं कर सकते हैं right? okay, तो इस एग्जाम uh, के बारे में थोड़ा सा बता दो दिस इजेडमिकम्बेट एग्जाम यू कैन कम्पीट यू कैन क्रैक यू कैन कॉन का तीन चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं कंपीट क्रैक कॉन का कम्पलीट कम्पीट क्रैक

इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है मतलब आपको ये एग्जाम देने के जो रजिस्ट्रेशन है इट इज टोटली totally फ्री रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए सो एग्जाम इज टोटली फ्री आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं सो so अगर आप टॉप थ्री में आते हैं अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप थ्री में आते हैं तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का तो यू विल गेट फ्री एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन यस आपने ठीक सुना अगर आप टॉप थ्री में हैं तो आपको एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मतलब टॉप थ्री स्टूडेंट्स को एक साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं और आपको एक साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप विनर्स में अगर आते हैं तो एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है एंड वी हैव लेट्स से विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ करोड़ प्लस तो वन करोड़ प्लस का लेट्स से एक स्कॉलरशिप पूल है एंड ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना टॉप थ्री में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा एक साल का सब्सक्रिप्शन अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है तो नेक्स्ट एग्जाम कॉम्पेट एग्जाम इज ऑन ट्वेंटी थर्ड मे 23rd में ये ये को करते हैं तो को ही होगी 23rd. Class 10 की जो एग्जाम है वो सुबह ग्यारह बजे होगी क्लास टेंथ की एग्जाम कब होगी सुबह ग्यारह बजे और अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो सुबह बारह बजे एग्जाम होगी तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें मतलब लाइक यू नो अटेंड करें इस एग्जाम को नाउ टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम एनरोल करें एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं दैट इज ए एस लाइव के एल आई वी ई तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे सो दिस इज योर कोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें एनरोलमेंट करें एनरोलमेंट पूरा फ्री है आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें ठीक है तो ये ट्वेंटी थर्ड मे को है क्लास so, टेंथ uh, की एग्जाम सुबह और की एग्जाम सुबह सो so, uh, ये वाली exam, so give, क्योंकि आपको एक साल तक का प्लस देने का मौका है एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है फ्री रजिस्ट्रेशन है एंड मोर ओवर एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा टॉप थ्री में आते हैं तो सो दिस इज इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सीबीएससी क्लास नाइन एंड टेन सो डू एनरोल फॉर दिस एक्साम एंड स्टैंड चांस टू विन स्कॉलरशिप लेट से दैट टू एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप टॉप थ्री में आते हैं सो प्लीज डू एनरोल फॉर दिस कोर्स राइट पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें ताकि आपको एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले ओके सो क्लास नाइन्थ के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच ठीक है टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश

साढ़े नौ से साढ़े दस तक रात को देन कृतिका सिंगला विल बी टीचिंग कंप्यूटर साइंस दैट विल ऑन मंडे वेनजे फ्राइडे एंड दट इज फ्रॉम सेवन थर्टी टू एट थर्टी एंड भावना शर्मा विल भी टीचिंग हिंदी एंड दट इज ट्यूजडे थर्डे सैटरडे थ्री थर्टी टू फोर थर्टी तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे सो so, ये रहे फॉर uh,

अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो इंग्लिश मैडम बाय वंदना इंग्लिश बाय वंदना मैडम देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका कृतिका मैडम अभी इसमें जो टाइमिंग्स है इंग्लिश के वो है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे सिक्स टू सेवन फिफ्टीन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम फोर टू फाइव मंडे वेनजे फ्राइडे फ्रॉम फाइव टू सिक्सिंग जरूर उठाओ ये आप ही के लिए बनाई गई है सो प्लीज यूज दीज बेरी ताकि आपका जो इंटायर प्रिपरेशन है आप क्लास नाइन्थ में रहो कि क्लास टेंथ में रहो ये एजुकेटर्स दे विल टेक केयर ऑफ इट की आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो रहा है सो प्लीज डू अप्लाई फॉर दीज बैचेस और आपको ये बैचेस पूरे आपको एक्सेसिबल हो जाती है वेन यू अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो नहीं तो आइकॉनिक ले लो बड़ा प्लान ले लो टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस आप पीसी से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप से लैपटॉप से टैबलेट से मोबाइल से आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं ऑल यू रिक्वायर डिवाइस एंड लेट्स वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन दी प्लेटफॉर्म दैट इज एन एकेडमी सो थैंक यू ओके okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दू कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन एन एकेडमी आप आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म लेकिन सभी हमारे जो आ, ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा नाउ फॉर टेन परसेंट ऑफ टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है ये दोनों पे अवेलेबल है दिस इज अवेलेबल ऑन एन प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एडमी आइक्निक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑल यू टू

मतलब लाइक यू नो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली मतलब आपने कोड लिखा ना इमीडिएटली ऊपर दिया जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर आपको क्या करना है सिर्फ ए एस लाइव टेन कोड का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूएशन में लिखना है नो स्पेस विध स्पेस वगैरह नहीं देना है मतलब ये कोड को और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं सस्ता बना सकते हैं okay. uh, uh, राइट है? है, तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका एप्पल वाला है आईओ आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन दी जा सकते हो दैट मीन जो इसका स्टोर है एप्पल uh, का तो आप स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट योर एंड्रॉइड ठीक है एंड्रॉय का अगर है आपके पास और अगर एप्पल की आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अनकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर सो इसके अंदर कैसा है अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग आप क्या कर सकते हो जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया तो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया राइट right? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जस्ट टू सी द फीचर्स आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे अवलेट आप से आपके मोबाइल uh, में तो आप उसको uh, वो आपको कोड पूछेगा मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री यू कैन डू वन थिंग आप ए एस लाइव टेन का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड तो आप कोड लिख दो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है यू कैन चेक द फीचर्स आप फीचर चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट राइट ओके okay, तो इतना इतना चीज कर लो ठीक है पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फिर उसके अंदर कोड लिखना है एस लाइव टेन और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से कौन से फीचर्स हैं आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह सो so, ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में